एंड वेलकम टू लिप बड एंड पेटल। मेरे पास स्नेक प्लांट की ये डार्क वाली वैरायटी है और आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारा भर गया है। बिल्कुल मैंने इस पॉट में लगाया था और ये काफ़ी करीब 2.5 से 3 इंच का पॉट है और पूरा इसमें बिल्कुल ही मैक्सिमम जितना आ सकता था प्लांट उतना आ गया है। अब ये थोड़ा सफोकेटेड सा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल के और अलग अलग लगा दूँ, कुछ गिफ्ट कर दूँ और थोड़ा इनको और दूर दूर लगा दूँ जिससे थोड़ा इसमें रूम हो जाए, अच्छे से ये ग्रो करें। और आप देख सकते हैं कि ऊपर के सारे जो प्लांट की जो टिप्स हैं और जो पत्तियाँ हैं वो सारी डैमेज हो गई हैं, क्योंकि जो कबूतर हमारे यहाँ रहते हैं वो इसी पर बैठते हैं बार बार जाके और कितना भी मतलब कोशिश करो तो ऐसा नहीं हो पाता कि मैं इनको बचा पाऊँ। तो अब देखिए ऊपर का पूरा पार्ट जो है वो एक तरह से डैमेज हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, साथ साथ मैं ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि आपके पास अगर ये प्लांट हो तो आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी पहली तो, और दूसरी आप उसको कैसे और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं और उसको सेपरेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्लांट्स तो मैं गिफ्ट करूँगी और बाकी इन्हीं दो पॉट्स में, मेरे पास एक सेम ऐसा ही एक और पॉट है और ये देखिए ये वाला, तो इसमें मैं लगा दूँगी। सबसे पहले तो आपको जब भी इतना घना कुछ प्लांट कोई हो गया हो और उसको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी मिट्टी को अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है। मिट्टी मॉइस्ट करने से क्या होता है कि जब आप प्लांट को निकालेंगे तो रूट डैमेज नहीं होगी। तो इसलिए देखिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पहले भिगो दिया है मिट्टी को और फिर एक एक करके हम प्लांट को निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा है पहले मैं पूरा ही निकालती हूँ, पूरा पॉट निकालती हूँ और फिर हम इसको बाद में एक एक करके सेपरेट आउट करें। ये देखिए कितना ये रूट बाउंड हो गया है और पूरा पॉट का शेप ले चुका है। तो मैं इसको निकालती हूँ, ये देखिए कितना होगा और बैक साइड अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए कितने रूट्स हो गए हैं। यहाँ रखती हूँ इस पॉट में, मुझे फ्रेश मिट्टी भरनी पड़ेगी और ये एक पॉट है जिसमें ऑलरेडी मैंने मिट्टी रख रखी है। ये वेलरेन सॉइल मिक्स है, इसमें सैंड है और गार्डन सॉइल है और थोड़ा सा कोको पीट है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए थोड़ा सा कोको पीट अगर आप मिक्स कर देंगे तो पानी ना भी डालें करीब 10 दिन तक तब भी चल जाता है और थोड़ी बहुत पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे वापस से वो रिवाइव हो जाता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं अब प्लांट्स को एक एक करके निकालूंगी। इतने पप्स इसमें आ जाते हैं, आप कहीं से भी एक प्लांट ले आइए इसका स्नेक प्लांट का और आप देखेंगे कि इतने प्लांट्स निकल आते हैं कि आप बस आप गिफ्ट करते रह जाएंगे और ये आते रह जाएंगे, इतने आते हैं प्लांट्स। ये ना ऐसे एक दूसरे की रूट्स जुड़ी रहती हैं तो यहाँ से आप तोड़ के अलग अलग इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये दो प्लांट हैं, मैं इसको अलग नहीं कर रही हूँ, जो डेड लीव्स हैं सिर्फ उनको मैं हटा रही हूँ, दो नहीं कई सारे हैं। अब इतना सफोकेशन हो गया था ना, इतना सफोकेटेड हो गया था कि जो नए प्लांट आ रहे थे उनकी भी हालत देखिए अब कैसी हो गई, बिल्कुल ये ग्रो करने की इनकी जगह ही नहीं थी। तो इन सबको मैं अलग कर लेती हूँ सबसे पहले। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, कुछ को तो मैं अलग अलग ही लगाऊंगी, कुछ को दे दूंगी। देखिए अंदर के जो प्लांट होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी एयर या फिर लाइट नहीं पहुँचती है तो वो कैसी पत्तियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सी और ऐसी पीले रंग। तो ये हेल्दी प्लांट की ये निशानी नहीं है जब कुछ इतना ज़्यादा घना हो जाए, क्योंकि आप पॉट में लगाते हैं तो लिमिटेड स्पेस होता है बिल्कुल, है ना, उससे बाहर वो नहीं ग्रो कर सकता। मिट्टी में तो चलो वो पूरा फैलता जाएगा जहाँ जहाँ तक उसको चाहिए उधर तक चला जाएगा, लेकिन
और जब आप कर लेते हैं ले लेते हैं तो फिर वो ग्रोथ उसकी कन्फाइंड हो जाती है, उतनी दूर में वो ग्रो कर पाता है। तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े देर में जो भी एक्स्ट्रा पॉप्स निकलते हैं वो निकालते रहने चाहिए। मैंने निकाला नहीं है इसलिए देखिए ये इसमें इतना सारा हो गया है और इसमें बहुत सारे हो गए हैं। कुछ तो मैं निकाल के और सबसे पहले इसमें लगा देती हूँ, बाकी को जो मुझे और जगह लगाना है या देना है वैसे मैं देख लूँगी। ये देखिए कैसे सूख गया है बिल्कुल। ये ऐसा प्लांट है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट इतनी कम होती है, बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है। जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल प्लांट केयर के बारे में नहीं पता है वो भी इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इतने प्लांट होंगे ना 100 तक होंगे ऐसा लग रहा है, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं इसमें। और अगर कबूतर इस पर ना बैठते तो ये बहुत ही सुंदर लगता था ऊपर से, उन्होंने बैठ बैठ के ना सारा खराब कर दिया। अब इतने सारे हो गए हैं इनको तो मैं लगा देती हूँ। कुछ नहीं करना है, एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स लेना है और बस आपको आपने एक प्लांट लेके आइए और इस तरह के पॉट में, देखिए मैं बिल्कुल गहरा पॉट नहीं ले रही हूँ कि कोई इसकी रूट्स बहुत ही शैलो होती हैं, आप देखना बिल्कुल मतलब शैलो होती हैं। आपने देखा होगा जब मैंने इसको निकाला है तो कितनी कितनी रूट्स है, इतनी सी रूट्स है, इसको बहुत गहरा कोई पॉट नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटे में भी ये ग्रो हो जाता है। छोटे से छोटे पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक मेरा प्लांट है, इसको मैंने छोटे से प्लास्टिक के बॉटल में लगाया था, ये काफ़ी पुराना प्लांट है। तो इसको भी ग्रो करने के लिए फर्दर जो है वो देखिए ये काफ़ी पतला इसका मुँह है तो निकल नहीं पा रहे थे पप्स अच्छे से, तो साइड से निकले हैं और उनका इसीलिए उनका शेप देखिए कैसा ऐसे लंबा सा है, वो रोजेट शेप नहीं आ पाया है। तो इसको भी मुझे बॉटल कट करके और दूसरे में लगाना पड़ेगा जिससे कि वो अच्छे से ये का शेप है वो प्रॉपर आ पाए। पहला जो इकलौता प्लांट था वो प्रॉपर शेप में था, बट जो ये आए हैं नए पप्स आए हैं चार वो नहीं निकल पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि बिल्कुल बाउंड हो गया है यहाँ पे और वो खुल नहीं पा रहे। तो इसीलिए इसको थोड़ा ना थोड़ा खुला हुआ सा पॉट थे। अब मैं इसको लगा रही हूँ अभी और आने वाले दिनों में ये भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी ये पॉट ये हुआ है। तो इस तरह से मेरे पास दो इस तरह के पॉट हो जाएंगे। तो गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। अगर आपके पास ये है तो आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अगर आपको प्लांट गिफ्ट करना है तो फटाफट से आप इसमें से एक निकालिए और वो गिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम पॉप्स आते ही रहते हैं तो आपको सोचना नहीं है कि मेरा प्लांट मतलब ख़त्म हो जाएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि ये खुद ही इतना ग्रो करता रहता है। मैं इसको लगा दे रही हूँ, अभी भी मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही प्लांट इसमें लगा रही हूँ क्योंकि इतने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ग्रो करेगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास ज़्यादा प्लांट हो गए हैं इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही यूज कर ले रही हूँ। तो जब मैंने इसको लगा रही हूँ जो तो इसकी मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है जो मैंने ली है, तो या तो आप ऐसे करें कि मॉइस्ट मिट्टी ही लें, या फिर अगर आप ड्राई मिट्टी ले रहे हैं उसके बाद उसमें थोड़ा वाटरिंग कर दें। वाटरिंग मैं इसमें भी करूँगी, बट मॉइस्ट मिट्टी होने से थोड़ा सा पौधों को एडजस्ट होने में हेल्प मिलती है, जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें लगा लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, हल्की हल्की सी मिट्टी हटा के बस उनके रूट्स को ढक देना है मिट्टी से और एक बार अच्छे से वॉकिंग कर देनी है। इसको मैं ऊपर उठा देती हूँ, अदरवाइज मिट्टी फैलेगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए इतना ज़्यादा अभी भी प्लांट का जो बचा हुआ है बहुत सारा इसमें, तो इसका मुझे रखती हूँ ताकि ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर आपके पास कोई स्नेक प्लांट है तो उसको लगाना बहुत आसान है, कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं होती है इसको लगाने की, बहुत ही इजी है। आपको बस सॉइल मिक्स जो प्रिपेयर करना है वो वेल ड्रेन्ड लेना है, सैंड उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें,
और थोड़ा सा कोकोपीट डाल दें कि बाई चांस अगर आप पानी डालना भूल जाते हैं तो वो कोकोपीट जो है उसमें इतना मॉइस्चर रिटेन हो कि वो काम चल जाए। वैसे ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं तो ये काम चला लेते हैं, काफ़ी दिनों तक अगर आप पानी ना भी डालें तब भी इनका काम चल जाता है। और ये बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफायर होते हैं, इजी टू केयर है, इजी टू ग्रो है, इजी टू प्रोपेगेट है, तो ये प्लांट तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। तो आप भी ज़रूर लगाएं इस प्लांट को। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, अगर इस प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने व्यूज़ और कमेंट ज़रूर लिखें आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।